जय हिंद साथियों, असिस्टेंट ग्रेड 3 से संबंधित एक वैकेंसी का मैंने एक वीडियो डाला था कल यूट्यूब पर। आप लोग भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे साथियों ने मुझे कॉल भी लगाया है कि सर ये जो वैकेंसी के बारे में आपने बताया है सीपीसीटी की जो डायरेक्ट भर्ती है ना, जिसमें ओनली सीपीसीटी के मार्क्स पर सिलेक्शन होना है, ना ही कोई एग्जाम होना है, ना ही वहां पर किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू और ना ही वहां कोई मेंस होना है, डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है सीपीसीटी के मार्क्स पर। तो दो चीजें मुझे बार 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 पूछी जा रही हैं कॉल लगाकर, व्हाट्सएप मैसेजेस कर और कमेंट सेक्शन में। तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक वीडियो बनाकर आपको बता दी जाए। दो चीजें ये है कि क्या असिस्टेंट ग्रेड 3 के अलावा यहाँ पर कोई और भर्तियां हैं, एंड क्या सर ये भर्तियां सिर्फ विकलांग लोगों के लिए है, यानी दिव्यांग जनों के लिए है। ठीक है, तो साथियों मैंने क्या किया था, आपको पता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी नहीं है, ये ज्यादातर 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये वैकेंसी है, जैसे कि भोपाल में है, इंदौर में है ना, रतलाम में है ना, झाबुआ में है, सागर में है, बहुत सारी जगह यहाँ पर ये वैकेंसी है। ठीक है, सतना में ये वैकेंसी है, बहुत सारी जगह ये वैकेंसी है। तो मैंने क्या किया था, सागर की वैकेंसी को ओपन करा और सागर की वैकेंसी में डेफिनेटली विकलांग लिखा था, दिव्यांगजन लिखा था। तो मैंने सोचा हो सकता है शायद यार सिर्फ सागर में दिव्यांगजन के लिए हो, शायद हो सकता है ग्वालियर में ना हो, शायद हो सकता है छिंदवाड़ा में ना हो, शायद हो सकता है रतलाम में ना हो, इसलिए मैंने ये वहां पर मेंशन नहीं करा कि ये वैकेंसी सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए। लेकिन अब मैंने चेक कर लिया है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए है। अगर आप दिव्यांग नहीं है, अगर आपके पास 40% से ज्यादा का डिसेबल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसमें फॉर्म मत डालिए, कोई मतलब का फॉर्म आपका नहीं रहेगा साथियों। हाँ, अगर आप विकलांग हैं तो डेफिनेटली आप फॉर्म डालिए, आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि साथियों की इस टाइप की वैकेंसी बिना विकलांग वालों के लिए नहीं आती है, डेफिनेटली वैकेंसी आती है। अब विकलांग वालों के लिए वैकेंसी आ चुकी है, तो कुछ दिनों में ही, हो सकता है कुछ दिनों में, कुछ महीने में, या इस महीने में नहीं, नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के लिए भी ये वैकेंसी का फॉर्म डल जाए। अब ये अगर आप लोगों के लिए नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए, तो यार ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी 12 जुलाई को सीपीसीटी का एग्जाम पेपर है। 12 जुलाई का सीपीसीटी का जो एग्जाम है साथियों, उसमें अच्छे खासे मार्क्स ले आएगा, 60+ मार्क्स ले आएगा, क्योंकि साथियों इस टाइप की वैकेंसी के लिए आपको 60+ मार्क्स लाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। 12 जुलाई को होने वाले एग्जाम में यदि आप 60+ मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, तो यार उसके लिए एक छोटी सी पहल, उसके लिए एक आप लोगों का एक हेल्प है, आप लोगों की हम हेल्प करना चाहते हैं। वो एक महामैराथन हम लेकर आ रहे हैं, 7 जुलाई को ये महामैराथन होगा। आप इस क्लास को ज्वाइन करिए, इसमें लगभग लगभग सीपीसीटी का पूरा निचोड़ इसमें हम दे देंगे, एंड कंप्यूटर का एक ही 12 लगातार घंटे होने वाले हैं, और एक ही क्लास में आपका सीपीसीटी का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। और ये जो मैराथन है, जरूरी नहीं है सिर्फ सीपीसीटी वाले बच्चों के लिए यूजफुल है ये मैराथन, एक्चुअली में हो सकता है शायद गुरफूर के लिए भी, पटवारी, जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनके लिए भी ये मैराथन यूजफुल होने वाला है। दूसरी वाली बात पर आते हैं कि क्या यहाँ असिस्टेंट ग्रेड 3 के अलावा और वैकेंसीज हैं। डेफिनेटली है साथियों, यहाँ पर आईटी ऑपरेटर की वैकेंसी है, यहाँ पर चपरासी की वैकेंसी है, और यहाँ पर आई थिंक गार्डनर की भी वैकेंसी है, जिसे माली कहते हैं, उसकी भी वैकेंसी अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और आप बोल रहे थे सर कहाँ से डाउनलोड करना है, विज्ञप्ति कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, तो यार उसी वीडियो में भी मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था, इसमें भी बोल रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइएगा वहां क्लिक करिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, वहां डाउनलोड आपको मिल जाएंगे। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हरे कृष्ण।